आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम सीकर पर स्वागत है। हम इस चैनल पर उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों से संबंधित लेटेस्ट और सटीक न्यूज लेकर आते हैं। आज का वीडियो आगरा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वह भी उन विद्यार्थियों के लिए जो आगरा यूनिवर्सिटी में से BA, BSc, MA, MSc, MCom प्राइवेट कर रहे हैं, या वे विद्यार्थी जो अपना री एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप आगरा यूनिवर्सिटी के री एग्ज़ाम प्राइवेट फॉर्म एग्ज़ाम कैसे भर सकते हैं। आपको सबसे पहले आगरा यूनिवर्सिटी की इस ऑफिशियल साइट पर आना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यह आगरा यूनिवर्सिटी की एक ऑफिशियल साइट है। आपको सर्च बार में लिखना है dvrau.org.in। जैसे आप उसे सर्च करेंगे तो आप इस साइट पर पहुँच जाएंगे। अब आपको इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगी, फिर जैसा कि आप देख सकते हैं हम आपको दिखा देते हैं। ये एक लिंक है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म 2021-2022। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। देखिए एक नया पेज खुल गया है, इस पर लिखा है लिंक्स फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स। इसमें पहले लिखा है व्यक्तिगत विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र के संबंध में वरीयता के आधार पर परीक्षा केंद्र को विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जो आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वह यूनिवर्सिटी अपनी इच्छा के अनुसार देगी, ना कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार दिए जाएंगे। किसी भी महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जिसकी सूचना परीक्षा से पहले विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रसारित कर दी जाएगी। देखिए अब बात करते हैं व्यक्तिगत फॉर्म भरने की प्रक्रिया। एडमिशन फॉर्म भरने से पहले आपको अपना वेब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए यह वेब रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को करना है जो विद्यार्थी MA, MSc, MCom में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस बार अभी तक आगरा यूनिवर्सिटी के BA, BSc, BCom फर्स्ट सेमेस्टर के प्राइवेट एग्जाम फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। BA, BSc, BCom के एग्जाम फॉर्म सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के भरे जाएंगे जिनका एडमिशन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है। जो MA, MSc, MCom फर्स्ट ईयर के लिए, उन्हें सबसे पहले क्या करना है, उन्हें सबसे पहले वेब रजिस्ट्रेशन करना है। वेब रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें WRN एक नंबर मिलेगा, उसके अनुसार वे अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। हमने इससे एक पहले वीडियो में बता दिया कि जो आगरा यूनिवर्सिटी में MA, MSc, MCom फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें इस क्लिक पर क्लिक करके यहाँ से अपना वेब रजिस्ट्रेशन करना होगा। हमने उस वीडियो में बताया कि आप अपना वेब रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं कि जो आगरा यूनिवर्सिटी के BA, BSc, BCom सेकंड और थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं वे अपना री एग्ज़ाम और प्राइवेट एग्जाम फॉर्म कैसे भर सकते हैं। आपको इस क्लिक पर सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खुल जाएगा। देखिए एक नया पेज खुल गया है, इसमें देखिए सबसे पहले आपको कैटेगरी चूज करनी है कि आपकी प्राइवेट है या सिंगल है। उसके बाद आपको क्लिक करना है अपना कोर्स, आप किस कोर्स के विद्यार्थी हैं। देखिए अब BA फर्स्ट ईयर के हैं, BA थर्ड ईयर के हैं, BCom सेकंड ईयर के हैं या BCom थर्ड ईयर के हैं। अभी BSc के जो एग्ज़ाम फॉर्म है, जो री एग्ज़ाम है प्राइवेट फॉर्म, अभी वो भरे नहीं जा रहे हैं। जैसे भी साइट ओपन होगी उनके लिए हम तुरंत वीडियो बनाएंगे। और जो विद्यार्थी आगरा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित लेटेस्ट और सटीक और ऑफिशियल न्यूज लेकर आते हैं, कोई भी फेक न्यूज नहीं लेकर आते हैं। जैसे ही BSc की, इसमें BSc का कोर्स अपडेट होगा, हम तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मान लीजिए कि आपका जो एडमिशन है, आपका एडमिशन है BA थर्ड ईयर में, तो आपको इस BA थर्ड ईयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप BA थर्ड ईयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपना रोल नंबर डालना है। जैसे ही आप इस पर अपना रोल नंबर डालोगे, जैसे कि हमारे पास एक रोल नंबर है, हम इस रोल नंबर को डाल देते हैं। जैसे आप इस रोल नंबर को डालोगे तो एक नया पेज खुलेगा, जैसे आप इस पर सबमिट करेंगे। देखिए अब आपको सबमिट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ तीन चीज़ डालनी है। सबसे पहले क्या डालना है, सबसे पहले ये आपका यहाँ पर आपका जो नाम है कुछ भी, वो आपका नाम खुल जाएगा। नाम के बाद आपके पिताजी का नाम, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अपनी आपको एक ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी के बाद आपको अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी जन्मतिथि वो डालनी है। जैसे ही आप देखिए आपको यहाँ पर विषय नहीं भरने होंगे, जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आपको सब्जेक्ट चूज नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जो जिन विद्यार्थियों का सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा जाएगा उन्होंने अपने जो विषय हैं वो फर्स्ट ईयर में चूज कर लिए हैं, और जिन विद्यार्थियों का थर्ड ईयर का फॉर्म भरा जाएगा उन विद्यार्थियों ने अपने सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखिए यहाँ बात करते हैं कि फीस कितनी कटेगी। देखिए हम आपको इसे थोड़ा जूम करते हैं।
देखिए, जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी प्राइवेट हैं उनकी फीस कितनी है, उनकी फीस है 3,000, और जो विद्यार्थी फाइनल ईयर के हैं बीए के, चाहे बीकॉम के हों या बीए के, उनकी फीस कितनी है, उनकी 3,200 रुपये। और देखिए री एग्ज़ाम, जो प्राइवेट विद्यार्थी जिन्होंने कभी भी अपना प्राइवेट फॉर्म भरा है 2020 में, 2019 में, 2018 में, यदि वो फेल हो चुके हैं, यदि वो दोबारा से पेपर देना चाहते हैं, तो उनकी जो फीस कटेगी वो फीस कितनी कटेगी, उनकी फीस कटेगी मात्र 1,000 रुपये। अब जैसे आप यहाँ पर अपने ये इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, तो आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिलेगा फॉर ऑनलाइन पेमेंट। जैसे ही आप इस पर पेमेंट कर देते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल हो जाता है, आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, उस प्रिंट आउट को आप अपने पास रखें, उसकी आवश्यकता होगी जब आप अपने पेपर देंगे। इस प्रकार जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होती है, पेमेंट करने के बाद पूरी हो जाती है। हम इसकी पेमेंट तो नहीं करेंगे भाई, आप सभी जानते हैं। आप यदि आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।